हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी राहुल राखियां फैंसी राखियों के विक्रेता एवं निर्माता बैंक ऑफ बड़ौदा शुभारंभ शोरूम के बाजू से सत्कार होटल के पास दमोह। जिले में जहां कोरोना मरीज लगातार ठीक हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। आज भी जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि दमोह जिले में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक 60 वर्षीय महिला है, जबकि दूसरा 35 वर्षीय पुरुष है। महिला पूर्व में मिले मरीजों की ही रिश्तेदार बताई जा रही है, जो कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती थी, जबकि पुरुष कुछ ही दिनों पहले हैदराबाद से दमोह आया था, जो कि जांच कराने जिला अस्पताल पहुंचा था, जिस पर संदेह होने पर उसे जिला अस्पताल में ही रखा गया था। आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आने के बाद अब तक दर्ज कुल मामलों की संख्या 57 हो गई है। वहीं जिला अस्पताल से 3 मरीजों की छुट्टी होने के पश्चात पॉजिटिव केसों की संख्या 14 है। शीघ्र अति शीघ्र मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 999376218 और 799988।